अस्सलामुअलैकुम। बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते, कोई बात नहीं, यहाँ तो गए हैं बस यार, सॉरी सबको। और बहुत पहले से पहले शुक्रिया, मैंने लोगों का प्यार देखा, बहुत अच्छा लगा। दूसरा सॉरी अचानक गायब होने के लिए, बस वो मीटर आउट हो गया था, आप लोगों को बताया, बस वो हो जाता है, ज़रा मुश्किल दिन थे बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी है, अल्लाह ताला खैर करेंगे, स्ट्रांग हो रहे हैं, स्ट्रांग होते जाएंगे इंशाल्लाह वक्त के साथ। टिक इंडिया के शुक्र है कि बस अकल रही है कि रुकना नहीं है, जो मर्ज़ी हो जाए पढ़ते रहना है इंशाल्लाह। और आमीन, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करें। बस इस सफ़र में ये ज़रूर पता चल जाता है, वाकई में बहुत शायद दिमाग में एक्सपेक्टेशन होती हैं कि कोई ख्याल कर रहा होगा, कोई नहीं करेगा, लेकिन वो लोग का मुझे केयर कंसर्न मिला जिनसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और उनका नहीं मेरा जिनसे थी, लेकिन तो वो, लेकिन अपना पता क्या, अब दिन मर गया है कि बस गुजारो अच्छा अच्छा ठीक है। अब जितनी ज़िंदगी करीब से देख ली है ना, कसम से जितना कुछ मैंने जितना वो देखा है ना, कि कुछ नहीं रहता आखिर में आपके पास, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप इन्वेस्ट करते हो, आप जरिए लोते हो, अपनी एनर्जी ज़ाया करते हो वगैरह वगैरह, छोड़ो बस, अच्छी ज़िंदगी गुजारो, सिंपल ज़िंदगी गुजारो, बस सबके साथ अच्छे से रहो, किसी से कोई उम्मीद नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, सोने से पहले दिल साफ करके सो, ख़त्म करके सो ठीक है। उम्मीद वाकई नहीं लगाओ, और किसी की मदद करो तो पीछे मुड़ के मत इंतज़ार करो कि आपको थैंक यू बोलेगा, बिजनेस थोड़ी चल रहा है। बस उसके बाद मतलब ठीक है, राह चलते होते ना पत्थर हटा दिए, ख़त्म, आपने अपना काम किया बस। उसके बाद ये नहीं कि जी वो जी पत्थर उठ के आएगा, या जी वो बंदा आपको ढूंढेगा, यार किसने पत्थर हटाया था उसको थैंक यू बोल गया, नहीं। बाकी बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह, हम एक्टिव रहेंगे, सब साथ में रहेंगे, और जाते जाते स्माइल, क्योंकि तुम खास हो, मैं भी हूँ ठीक है। और वो क्लियर करना था मैंने कि वो मतलब आप लोगों के दिमाग में कि मैसेजेस पड़ी थी उन्होंने, नहीं मेरा कोई एक्सेस नहीं था, मेरा फ़ोन 8-9 दिन से बिल्कुल बंद था, मैंने बंद करके पता नहीं कहाँ ऐसे तो नहीं, बस चाबी लगाओ ताला फेंक दो, चाबी लगाओ ताला लगाओ चाबी फेंक दो, इसी बस मैंने पता नहीं मोबाइल कहाँ रखा, कहाँ नहीं खोल के देखा, कुछ भी नहीं, तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल अभी पढ़ा है, आज ऑन किया, अभी ऑन किया, और ऑन करते ही हाजिरी लगा दी है, तो बाकी लम्हा खैर करेंगे। और दिल पाकिस्तान, लव यू ऑल। बस वही इसी वक्त में पता चल जाता है कौन कितना आपका अपना है, कौन आपकी खामोशी को समझ रहा है, कौन नोट कर रहे हैं कि आप किधर हो, किधर नहीं हो, नॉर्मल हो नहीं, मतलब यार मैंने तो ऐसे देखा है, मतलब यकीन कर जिनसे उम्मीद थी भी वाली बात नहीं, अब नहीं नज़र आया मुझे, कहीं पर भी नहीं नज़र आया जिनसे नहीं थी, नहीं तो इसलिए दिल मरना ऐसे नहीं, ये नहीं कि मेरा दिल मरी, मेरा दिल इस चीज़ से मरी है, उम्मीद से अल्लाह ताला से इंशाल्लाह। और बाकी जो साथ हैं, मुझे पता है मेरे साथ जो रहे हैं उनको भी पता है, आई एम थैंकफुल टू देम। अब यार इंग्लिश फंस गई, तो बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला का भी उनको देने के लिए, और उनका भी, और बस खुश रहे जी है, उसको रहे क्या पता कल हो ना, बाकी नहीं पता, रिक्स नहीं लेने का। अब जब बात हो ही रही है तो मैं एक बात कहूँगी, मेरा मकसद यहाँ, मेरा अपने लिए नहीं है, मेरा मकसद ये कि बहुत से लोग इस चीज़ से गुजर रहे होंगे, जैसे कि अब दो तरीके के लोग होते हैं, जैसे कि अब मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल 100 में से एक बंदे ने बोल दिया कि जी आप कैसे जल्दी नॉर्मल हो गए, आप कैसे बनाओगे, उसमें 1000 लोग मुझे बल्कि वो कह रहे हैं कि जी यूर सो ब्रेव एंड ऑल थैंक यू। अब क्या होता है कि मैं ये सिखाना चाहती हूँ कि दो तरीके के लोग के मेरे पे वो फेस भी आया इस वक्त जब मुझे लगा बस ख़त्म, रुक गया सब कुछ, मैं कुछ नहीं कर सकती, हाथ पांव लुलू लंगड़े हो गए थे, गोलियाँ, जीभ रोना धोना, किसी के सामने नहीं रोना, अकेले रहना, चुप पड़े रहना, लास्ट टाइम वो फेस भी आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा दिमाग है, लेकिन यार मैं ये रोज धो रही हूँ, ये चीज़ क्या हो रहा है, ये चीज़ मेरा नुकसान है ना, बाबा को फ़ायदा ना किसी का फ़ायदा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नुकसान है, सिर्फ घाटा है। और अल्लाह ताला भी फिर वही बात कह, अल्लाह ताला देता है, अल्लाह ताला ले लेते हैं, तो भाई बस शुक्र अदा करते रहना चाहिए, ठीक है एक्सेप्ट करे बंदा, लॉस आता है, होता है, आप बहुत वर्स्ट से भी वर्स्ट सिनेरियोस भी गुजर जाते हो, एग्जाम्पल गुजर जाते हो आप, मतलब अभी तो एक पार्ट सामने है ना, हमें आपको नहीं पता, मुझे पता है, उसी तरह मुझे नहीं पता जो आपको पता है, आपके पास क्या गुजर रहा है क्या नहीं, इन शॉर्ट बात ये गुजर जाते हो, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं यार, जो बाबा के ख्वाब थे, जो मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे ज़िंदगी आगे देखनी चाहिए, जब तक मेरे पास है, जो मैं अच्छा कर सकती हूँ मैं वो करूँ, मैं आगे बढ़ूँ, मुझे नहीं रुकना। हाँ अभी भी मैं प्रॉपर नहीं निकली, लेकिन मैं निकल जाऊँगी, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ, जब तक मैं कोशिश करूँगी मैं फेल नहीं हो सकती, तो
बस ये कि ज़िंदगी में कभी रुकना नहीं है, एक दिन चलती रहेंगी, और अपना को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है, चीज़ों में से एक अच्छा रुख निकालना है। वो कह रहे जी स्टोरी लंबी हो गई है भाई, लंबी हो गई होगी, ज़रूरी बात बता रही ना, सुन लो। तो आखिर आपको कौन कब तक संभालेगा? कोई भी नहीं। जब तक वही बात है, एक बात हो रही थी किसी से, नहीं जब तक एफर्ट नहीं करोगे, सबका आना जाना समझाना बोलना फजूल है, बिल्कुल ऐसे। फिर मैंने सोचा कि भाई नहीं, आज से इंशाल्लाह हम मज़ीद मैं कुरान पाक पढ़ूँ, नमाज पढ़ूँ, कुछ अच्छा काम करूँ, जो भी हो, बाबा के लिए, मामा के लिए, और बस जो है आगे बढ़ते जाओ यार। पता नहीं कौन कब रहे, कब ना रहे, क्या गिले शिकवे बकवास सब कुछ ये है। इतना इकट्ठा किया आपने, कुछ नहीं लेके गए, कुछ नहीं लेके जाते, सब यहीं रह जाए, तो जो दिल को सुकून है ना वो इकट्ठा करना बस। और अपना ख्याल रखना है, स्माइल करनी है, ठीक है, हम पास हैं।